अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात और हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात का आज ये मलफूज नंबर 81 जो कि हज़रत की मलफूजात की किताब में छपा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद। मौलाना मरहूम ने इसी लखनऊ के सफ़र में एक मशहूर आलिम दीन को भी जमात के साथ लखनऊ तशरीफ लाने की दावत दिलवाई थी। वो साहब तशरीफ ले आए। मौलाना ने उनसे मौके पर फरमाया, हज़रत मैंने आपको वास कहलवाने के लिए तकलीफ़ नहीं दी है, हमारे इस काम में वाज व तकरीर तो सिर्फ ज़िमनी चीज़ है। आप जैसे हजरात को सफ़र की तकलीफ़ मैं सिर्फ इसलिए देता हूँ कि अपनी जगह पर और अपने कामों में रहते हुए तो मेरे इस काम को समझने और इस पर गौर करने के लिए आप हजरात को मोहलत नहीं मिलती, लेकिन जब सफ़र की वजह से आप अपने कामों और अपने माहौल से अलग कर लिए जाते हैं तो फिर इत्मीनान से मेरी सुन भी सकते हैं और जमात के काम को भी अपनी आँख से देख सकते हैं और उसके बारे में गौर व फिक्र भी फरमा सकते हैं। ये मलफूज हजरत का मलफूजात की किताब में छपा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर भी पूरी एक इसकी प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट का नाम ही हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात हैं। उसमें मलफूज 1 से लेकर 81 मलफूज अभी मौजूद हैं और आइंदा इंशाल्लाह जितने भी मलफूज आएंगे सारे के सारे मलफूज आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।